कहते हैं आदमी जिंदगी में उतना ही बढ़ सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। आज की कहानी है हेनरी फोर्ड की। फोर्ड मोटर के मालिक हेनरी फोर्ड दुनिया की चुनिंदा धनी व्यक्तियों में शुमार किए जाते हैं। उनकी गाड़ी की प्रशंसा दुनिया भर में होती है। एक बार एक भारतीय उद्योगपति मोटर कारखाना लगाने से पहले फोर्ड्स के सलाहकार ने अमेरिका गए। उस उद्योगपति ने अमेरिका पहुंचकर हेनरी फोर्ड से मिलने का समय मांगा। फोर्ड ने कहा, दिन में मैं आपके लिए अधिक समय नहीं निकाल पाऊंगा, इसीलिए आप शाम 6 बजे आ जाइए। वह उद्योगपति उनके घर पहुंचे। वहां एक आदमी बर्तन साफ कर रहा था। उन्होंने उससे कहा, मुझे हेनरी साहब से मिलना है। वह आदमी उन्हें बैठक में बैठाकर अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद उसी व्यक्ति ने उनके सामने आकर कहा, तो आप हैं वह भारतीय उद्योगपति? मुझे ही हेनरी कहते हैं। उस उद्योगपति को असमंजस में देखकर हेनरी ने कहा, लगता है आपको मेरे हेनरी होने पर संदेह हो रहा है। उस उद्योगपति ने तुरंत कहा, हाँ सर, अभी आपको एक नौकर का काम करते देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को बर्तन साफ करते हुए देखकर किसी को भी भ्रम पैदा हो सकता है, यह काम तो नौकरों का है। इस पर हेनरी ने कहा, शुरुआत में मैं एक साधारण इंसान था, अपना काम खुद करता था। अपने हाथ से किए गए कठोर परिश्रम का फल ही है कि आज मैं फोर्ड मोटर का मालिक हूँ। मैं अपने अतीत को भूल न जाऊं और मुझे लोग बड़ा आदमी न समझने लगे, इसीलिए मैं अपना काम स्वयं करता हूं। अपना काम करने में मुझे किसी तरह की शर्मिंदगी और झिझक महसूस नहीं होती है। वे उद्योगपति उठकर खड़े हुए और बोले, सर अब मैं चलता हूं। मैं जिस मकसद से आपके पास आया था वह एक मिनट में पूरा हो गया। मेरी समझ में आ गया कि सफलता की कुंजी दूसरों पर भरोसा करने में नहीं है, परंतु स्वयं पर भरोसा करने में है। हेनरी फोर्ड का उद्देश्य हल्की तीव्रगामी सस्ती मोटर गाड़ियों का निर्माण करना था। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए इन्होंने मशीन के अंगों के मानकीकरण, प्रगामी संयोजन, व्यापक बिक्री तथा ऊंची मजदूरी देने के सिद्धांत को अपनाया था। उन्होंने खेती के लिए ट्रैक्टर भी बनाए थे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, बुद्धिमान होना अच्छी बात है, परंतु हमारी सक्सेस और पैसों पर हमें कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। हमारे पुराने दिन हमें हमेशा याद रखने चाहिए। कहानी कैसे लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।